गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। अपडेट आ गई है आपकी, कल आप लोगों का पेपर है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, मैथ्स के सर ने, अंकुर सर ने जितना भी आपको पढ़ाया, गौरव सर ने जितना भी आपको पढ़ाया, विरत सर ने जितना भी आपको पढ़ाया और मैंने जितना भी आपको पढ़ाया, जो कुछ भी हमने पढ़ाया हमारे बेस्ट एफर्ट्स के साथ पढ़ाने की कोशिश करी थी। कुछ मेहनत आप लोगों की भी थी हमारे साथ में, कुछ मेहनत आपने अपने लेवल पे भी करी होगी, अलग अलग जगह से भी करी होगी, जैसे भी जिस भी तरीके से आपने प्रिपरेशन करी है वो हो चुकी है। कल आप लोगों का पेपर है 27 तारीख को। कल जब पेपर होगा तो दिमाग में बस एक चीज़ रखना कि मुझे सिलेक्शन लेना है, इस मोटिव से मैं जा रहा हूँ। ये मत सोचना मुझे सिलेक्शन लेना है, ये मेरी मजबूरी है। मैं दोनों का डिफरेंस आपको समझाता हूँ। जब हम पेपर देने जाते हैं तो दो तरीके के लोग हमें मिलते हैं। एक वो लोग होते हैं जो ये सोच के आते हैं कि ये पेपर मुझे निकालना है। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो ये कहते हैं कि ये पेपर मुझे ज़रूर निकालना है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। दोनों कैटेगरी के लोगों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं ना, जो ये कहते हैं कि मुझे ये पेपर ज़रूर निकालना है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न, मेरे हिसाब से सबको पता होगी ये बात, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है नर्वसनेस। ऑलरेडी जब आप पेपर देने जाते हो तो आपका माइंड काम नहीं होता है, बिल्कुल भी काम नहीं होता है। आपके माइंड में 10 बातें चल रही होती हैं, यार पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, और वो भी जब FCI ने ये भी डिक्लेयर नहीं किया कि सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे रहेगी, तो उस कंडीशन में हमारे दिमाग में 10 सवाल ऑलरेडी चल रहे होते हैं कि यार पेपर में क्या आएगा, क्या कट ऑफ जाएगी, मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। उसमें ये सोचना अलग से कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया तो क्या होगा, ऐसा अगर आपने और सोच लिया तो ये मान के चलिए कि आप अगर वहाँ पे 90% परफॉर्म करते तो उसकी जगह अब आप केवल 60% ही परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपके मार्क्स में ये बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ा बैरियर सामने आने वाला है। तो इसलिए जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं सबसे पहली रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि मजबूरी के तौर पर पेपर को बिल्कुल मत लेना। पेपर को इस तरीके से सॉल्व करना कि हाँ यार मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, मुझे चीज़ें आती हैं, जितना आता है वो मैं अच्छे से करूँगा, जो नहीं आता वो मैंने पढ़ा भी नहीं था, ठीक है, तो उसमें मुझे दुखी होने की या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं काम और इजी माइंड से पेपर दूंगा और मैं पॉजिटिविटी के साथ पेपर दूंगा, इस विचार के साथ दूंगा, इस थॉट के साथ पेपर दूंगा कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, ठीक है, और नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये प्रिपरेशन मेरी बर्बाद नहीं जाएगी, आगे और भी बहुत सारे पेपर आ रहे हैं जिनमें मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ और होऊंगा भी क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। इस थॉट के साथ जाओगे तो जहाँ आप अगर 80% का परफॉर्म कर रहे हो वहाँ 90 करके आओगे, और जहाँ 90 कर रहे हो वहाँ 95% परफॉर्म करके आओगे। क्योंकि आपके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी, जब आप पेपर दे रहे होगे आपके सामने क्लॉक चल रही होगी, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे पेपर देते हैं ना, जैसे आपने प्री में भी देखा होगा, जब आप पेपर दे रहे होगे आपके सामने क्लॉक चलती है, और जब क्लॉक चलती है ना सामने, तो आधा नर्वसनेस, आधी टेंशन तो वहीं से आ जाती है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए आपको बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, दिमाग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो पढ़ाई हमने करनी थी हम कर चुके, जितनी प्रैक्टिस हमें करनी थी हम कर चुके, और भी कर रहे हैं और करेंगे भी आगे, लेकिन अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो कि सक्सेसफुल है, कभी भी किसी की स्टोरी उठा के पढ़ लेना, जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है उसे कुछ आता हो या नहीं आता हो, जब भी उसने जीरो से स्टार्ट किया है हमेशा वो अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के चला है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ और करूँगा भी, ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। यही थॉट आपके दिमाग में होगा तो 101% ये पेपर आप क्लियर करके आओगे कि यार FCI मेंस में या FCI में सेलेक्ट होना मेरी मजबूरी नहीं है, मुझे घर वालों के लिए सेलेक्ट नहीं होना, मुझे मेरे लिए सेलेक्ट होना है, मुझे मेरी इनकम चाहिए, मंथली इनकम चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे सेलेक्शन लेकर के बस अब और कुछ आगे का सोचना है।
जो मैं आगे और कुछ करना चाहता हूँ, जो भी मेरे इंटरेस्ट हैं, जो मैं करना चाहता हूँ, उन सब चीज़ों को माइंड में रखो, उससे माइंड ओपन रहता है। ठीक है, उन सब चीज़ों से हमें खुले विचार, अच्छे विचार आते हैं। थॉट्स जब हमारे पॉजिटिव होते हैं तो हमारी मेंटेलिटी भी अच्छी होती है, और जो क्वेश्चन हमें नहीं आता उसके सही होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। ये सब चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऑलरेडी कल आपको अंकुर सर बहुत अच्छे से मोटिवेट कर चुके हैं, मैं देखा मैंने वीडियो पूरा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपको सर ने बूस्टअप किया है। ठीक है, आप ऑलरेडी बहुत बूस्टअप हो गए मैं जानता हूँ, तो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करने की आपको ज़रूरत है नहीं, आप ऑलरेडी बहुत बूस्ट हो। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कल जब आप पेपर देने जाओ तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सको। ठीक है, पेपर देने से पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब पेपर स्टार्ट हो उससे 5 मिनट पहले आँख बंद करके गहरी सांस एक बार जरूर ले लेना, ताकि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब बाहर चले जाएं और आप वापस से शांत होकर के पेपर दे सकें इजी माइंड से। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर अप्लाई कीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, नींद जरूर पूरी कीजिएगा, उसके बिना पेपर देने बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे आपको उबासियाँ ही आती रहेंगी। ठीक है, और आप पेपर में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान रखो अपना अच्छे से। ठीक है, पेपर को अच्छे से सॉल्व करो, कोशिश करो कि हम जितना कर पा रहे हैं अच्छे से कर पाएं, कुछ गलत करने की कोशिश ना करें, तुक्का मारने की कोशिश ना करें। ठीक है, कभी भी गलती से भी हाँ, लेकिन यदि कभी सिचुएशन ऐसी फंसती है, जैसे आपको किसी क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शंस में डाउट लग रहा है और उसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ यार इसके होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, उसको आप जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हैं तब, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अच्छे किए हैं, तो उस क्वेश्चन को छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस स्ट्रेटजी के साथ पेपर दोगे, सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटजी। ठीक है, पढ़ के सब लोग जाते हैं एग्जाम में, जो अच्छा परफॉर्म करता है वही सिलेक्ट होता है। और अच्छे परफॉर्म करने के 2-3 पाथ होते हैं। पहला, आपको चीज़ें आनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, और ये बात एक बार में देख के हमें पता लग जाती है। जैसा कि अंकुर सर भी कह रहे थे कि कोई भी पजल यदि आपको दिख रही है, आपको लग रहा है कि आप उसमें फंसने वाले हो, हाथों हाथ उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी वो आपका 1 मिनट खा चुकी है। अब उसको और टाइम दे करके और अपना टाइम हमें ख़राब नहीं करना है। ठीक है, जब हमारा वो रीजनिंग का पोर्शन हो जाएगा तब हम फिर से एक बार आ जाएंगे, अगर हमारे पास टाइम होगा तो। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी पजल में फंसते हो और आपने उसे हाथों हाथ छोड़ दिया, और थोड़ी देर बाद जब आप दोबारा उस पर आते हो ना, तो वो ईजिली सॉल्व हो जाती है। कभी इस चीज़ को ट्राई करके देखना, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है ये चीज़। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। देखो सारे सब्जेक्ट इजी हैं, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला, अगर आएगा भी तो बेसिक लेवल का क्वेश्चंस आएंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमने नहीं पढ़ा, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो आप ऑलरेडी अपने लेवल पे पढ़ चुके होंगे। ठीक है, कई बच्चे कह रहे हैं सर आप ल्यूसेंट क्यों करा रहे हो, तो मेरे पास टाइम की कमी थी, मैंने ल्यूसेंट इसलिए कराया। ठीक है, नहीं तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे दूसरे क्वेश्चंस भी ला सकता था। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने कराई है वो तो आपने करी होगी, साथ ही साथ आपने और चीज़ें भी ट्राई करी होंगी। ठीक है, जो कि ज़रूरी भी है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि हम प्री क्वालिफाई करके आए हैं। हम लगभग लगभग 5 से 7 लाख बच्चों को पीछे छोड़ के आए हैं। इसका मतलब है कि अब आप बिल्कुल फाइनल स्टेप पे हैं, ये स्टेप पार करते ही आप सेलेक्टेड हैं। तो आपको अपनी मेहनत को दुगना तिगना कर देना चाहिए। ठीक है, प्री में हम इतना जोर नहीं लगाते, लेकिन जब हम मेंस में होते हैं तो हमें अपनी मेहनत को डबल ट्रिपल कर देना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा मेहनत का नहीं होता, 1-1.5 महीना होता है। बस उस 1-1.5 महीने पे कॉन्सेंट्रेट करके यदि पेपर निकल गया तो सारे दुख दर्द आपके दूर हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे लेक्चर को, मेरा आज इतना ही था, स्टार्ट करते हैं। देखिए जितने भी टॉपिक हमने किए हैं आज तक की क्लासेस में, जितने भी टॉपिक हम कर चुके हैं, उन सारे टॉपिक्स में अब हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं अलग अलग जगह से लेके आया हूँ। ठीक है, इनको सॉल्व करके देखते हैं क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ये कुछ 80-90 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, जितने हमसे हो पाएंगे हम उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन 1 एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। जब आप अपने कंप्यूटर पे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक से ज्यादा, यानी क्या कर पा रहे हैं, एक से ज्यादा काम एक बार में कर पा रहे हैं। काम मतलब टास्क, जब आप एक से ज्यादा टास्क
कर पा रहे हैं अपने सिस्टम में, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मल्टीटास्किंग। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है, एक होता है मल्टी स्क्रीन। मल्टी स्क्रीन मतलब आप अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर पा रहे हैं, दैट इज मल्टी स्क्रीन। ठीक है, एक होता है मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग मतलब आप एक से ज्यादा काम एक ही टाइम पे कर पा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड आते हैं हम, अब देखिए मल्टी यूज कंप्यूटर भी ऐसा ही होता है इसके अलावा, लेकिन इस मल्टी यूज कंप्यूटर अलग चीज हो गया। मल्टी यूज कंप्यूटर आपका कंप्यूटर मल्टी यूज ही है। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में अलग अलग चीजें कर सकते हैं, हर कंप्यूटर मल्टी यूज होता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको ऊप्स कहते हैं हम। ऑब्जेक्ट ओरिएंट, जैसे ऊप्स हो गई हमारे पास में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सी प्लस प्लस हो गई हमारे पास में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये। ठीक है, अब ये चीजें बहुत वास्ट लेवल पे चली गई, लेकिन इतना हमें अंदर जाना नहीं है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, यू कैन यूज द डैश बार टू टाइप यूआरएल। यूआरएल टाइप करने के लिए आप कौन से टास्क, कौन से बार का यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमने देखा था। ठीक है, पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। यू कैन यूज द डैश बार टू टाइप यूआरएल एंड डिस्प्ले अ वेब पेज, और टाइप अ कीवर्ड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। तो हम कौन से बार का इस्तेमाल करते हैं? एड्रेस बार का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। ये जो यूआरएल होता है ये हम कहाँ लिखते हैं? ये लिखते हैं हम एड्रेस बार में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो यूआरएल आप लिख रहे हो एड्रेस बार में, उसके दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है एचटीटीपी, ठीक है, या एचटीटीपीएस, ठीक है, ये सिक्योर प्रोटोकॉल है, और दूसरा होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी। ठीक है, तो दो तरीके के आप यूआरएल लिखते हैं एड्रेस बार में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, विच पार्ट इंटरप्रेटेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन। कौन सा पार्ट ऐसा है जो क्या करता है, इंटरप्रिटेट करता है, बताता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, और इनिशिएट करता है कंट्रोल ऑप्शंस। तो ये काम जनरली कौन करता है? वैसे तो ये काम सीपीयू के अंदर होता है, लेकिन सीपीयू के भी दो पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो एएलयू तो मैथमेटिकल्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और बचे हुए जितने भी इंस्ट्रक्शन कंट्रोलिंग के काम है वो सारे कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, यहां तक की बात आई थिंक क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन दी। जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट प्रोसेस डेटा, जो कि प्रोसेस करते हैं डेटा को, वो कहाँ रहते हैं? डेफिनेट सी बात है, वो सिस्टम यूनिट के अंदर रहते हैं। हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, जितनी भी प्रोसेसिंग की प्रोसेस होती है वो सारी की सारी किसके अंदर होती है? सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। सिस्टम यूनिट के अंदर कौन आता है? सीपीयू आता है। सिस्टम यूनिट के अंदर कौन आता है? सीपीयू। और सीपीयू के अंदर कौन आता है? एएलयू और सीयू आता है। ठीक है, और इन पूरी प्रोसेस के अंदर हम किस किस चीज का यूज करते हैं? बस का यूज करते हैं, अलग अलग, एड्रेस बस का, डेटा बस का। ठीक है, इन सब चीजों का यूज इसके अंदर होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ध्यान है, ये सब चीजें रिकॉल करो, पढ़ी थी हमने। ठीक है, सिंगल वे ट्रांसमिशन, डबल वे ट्रांसमिशन, ठीक है, ये दोनों डेटा दोनों तरफ प्रोवाइड कराता है, ये सिंगल ट्रांसमिशन का काम करता है, सिंगल वे ट्रांसफर का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश सेल इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग टू और मोर सेलेक्टेड सेल। ये किसकी बात कर रहा है पहले तो ये बताओ। तो ये बात कर रहा है एमएस एक्सेल की। किसकी बात कर रहा है? ये एमएस एक्सेल की बात कर रहा है, क्योंकि सेल्स का काम किसके अंदर आता है? एमएस एक्सेल के अंदर आता है। और जब आप दो, एक से ज्यादा सेल्स को, टू और मोर देन टू सेल्स को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करते हैं, तो आप उसकी क्या कर रहे हैं? एक मर्जिंग सेल बना रहे हैं, ताकि आप बड़ा डेटा एक साथ एक बार में लिख सके, तीन सेल्स को अगर आप कंबाइंड करके बना रहे हैं। तो यहां तक मेरे हिसाब से बात सबको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, कंपाइलिंग क्रिएट्स अ, ठीक है, कंपाइलिंग जो है वो क्या करती है? तो देखो, कंपाइलिंग होती किसमें है? तो कंपाइलिंग किसमें होती है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, मैं बता देता हूं आपको। दो चीजें होती हैं, एक होता है असेंबलर, ठीक है, एक होता है कंपाइलर। तो देखो, असेंबलर क्या करता है? ये असेंबली लैंग्वेज जो होती है
उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोडिंग का काम करता है, उसमें एरर निकालने का काम करता है। ठीक है, अगर कोई एरर होगी तो असेंबली लैंग्वेज में, तो ये कौन बता देगा? असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज होती क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज होती है आपके पास में कोड वर्ड्स में लिखी हुई लैंग्वेज। ये यूजर फ्रेंडली नहीं होती है, इसमें कुछ पर्टिकुलर कोड्स होते हैं, कमांड्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। जब आप वो कमांड्स लिखोगे तो कंप्यूटर समझ पाएगा। ठीक है, जब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आई थी तब तक असेंबलर का ही यूज किया जाता था असेंबली लैंग्वेज के लिए। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को क्या करता है, कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और उनमें क्या बताता है? एरर बताता है। ठीक है, वो क्या होता है? कंपाइलर। तो कंपाइल क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है ये। क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। ये क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है, और ये करता क्या है? एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जो भी कोडिंग होती है उसे एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलिंग क्रिएट्स अ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल, बिना केबल के यूज के। ये सेम क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। एक ऐसी डिवाइस जो बिना केबल के यूज के कनेक्ट करती है नेटवर्क्स को, उसे क्या कहते हैं? वायरलेस। क्या कहते हैं उसे हम? वायरलेस। क्या कहते हैं? यस, वायरलेस कहते हैं। ओपन सोर्स आपको पता है, सेंट्रलाइज्ड आपको पता है, नॉन वायर्ड पता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पता है। ठीक है, आगे आते हैं। अ प्रोग्राम डिजाइंड टू डिस्ट्रॉय डेटा, अ प्रोग्राम डिजाइंड टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन योर कंप्यूटर विच कैन ट्रेवल टू इन्फेक्ट, अब इन्फेक्ट आ गया, इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड एज, जो अदर कंप्यूटर को भी प्रभावित करता है और आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करता है, दैट इज कॉल्ड वायरस। उसको हम क्या कहते हैं? वायरस भी कहते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो आता है उसको क्या बोला जाता है? बग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जो भी एरर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? बग बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। व्हाट हैपेंस When you boot up a PC, जब आप अपने कंप्यूटर को क्या करते हो? बूट करते हो, तो क्या होता है? What happened? क्या होता है? तो क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिस्क से कहाँ जाता है? मेमोरी में जाता है। कौन सी मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे? ये प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, रोम की बात हो रही है। ठीक है, जब आप अपने पीसी को बूट करते हो तो उस कंडीशन में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिस्क से कहाँ जाता है? मेमोरी के अंदर जाता है। पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। ठीक है, यहां तक की बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रही होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ईमेल अटैचमेंट होता क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट को ईमेल के साथ कनेक्ट करके भेजना, अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंड अलोंग विद अ ईमेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अटैचमेंट बोलेंगे। फिर वो फाइल या डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, साइन भी हो सकते हैं, कोई पीडीएफ भी हो सकती है, ठीक है, कोई वर्ड फाइल भी, कुछ भी हो सकता है वो। CCBCC आपको पता ही होगा, ये कार्बन कॉपी होती है हमारे पास में, जिसमें किसी को रख करके हम भेजते हैं, उसको भी दिखाई देता है। BCC भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन उसमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ रही होगी। चलिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन, आप अपनी फाइलों को कहाँ रख के ऑर्गेनाइज करते हो? तो जब भी फाइल ज्यादा हो जाती है एक जैसी, तो हम एक फोल्डर बनाते हैं और सारी फाइलों को उस फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। अब चाहे आप ये हार्ड कॉपी में काम करो, चाहे सॉफ्ट में, हर जगह फोल्डर बनाना जरूरी होता है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम मतलब, जैसे हमने रिंग टोपोलॉजी पढ़ी थी ना, कि जैसे आपके पास में एक कंप्यूटर है, या फिर हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी थी, तो एक कंप्यूटर है, इससे कनेक्टेड है बहुत सारे कंप्यूटर। ये एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट हो गया, एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट हो गया, एक कंप्यूटर यहाँ। तो अगर इससे बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड हैं, तो इस सिचुएशन में ये तो हो गया सर्वर। ये क्या हो गया? सर्वर, जो किससे जुड़ा हुआ है? क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में सर्वर, और इससे बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, जो इससे निकले हुए, ये सर्वर है, ये क्लाइंट कंप्यूटर है, सीसी क्लाइंट कंप्यूटर। तो
क्लाइंट कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर कौन से होते हैं? ना माइक्रो होते हैं ना मिनी होते हैं, कौन से होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग डिवाइसेस विदाउट टर्निंग ऑफ योर कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज, क्या हुआ? ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को बिना बंद किए हुए लगाई जाती हैं या निकाली जाती हैं, रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग, जैसे पेन ड्राइव, पीडी। पेन ड्राइव क्या है? बिना कंप्यूटर को बंद किए निकाली या लगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले, मतलब प्लग करो और चालू करो और वापस प्लग आउट कर लो और उसे खत्म कर दो। उसमें कंप्यूटर को बंद करने जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर, क्या करना है? अपने आप को कंप्यूटर हैकर से प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर इंस्ट्रक्शन यू शुड इंस्टॉल अ फायरवेल। ये हम पढ़ चुके हैं, फायरवेल कंप्यूटर में ऑलरेडी होता भी है। ठीक है, बट इसने क्या लिखा है? यू शुड इंस्टॉल अ फायरवेल। फायरवॉल क्या करती है? फायरवॉल आपको सर्वर से प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, सर्वर से कोई भी ऐसी इंटरप्टेड चीजें या फिर ऐसी चीज जो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकती है वो नहीं आती है, उसके लिए फायरवॉल को ऑन करके रखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब यू मस्ट हैव अ वेब ब्राउजर। मेरे हिसाब से ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको वेब पे इंफॉर्मेशन को चेक करना है तो आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए। ये भी हम ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर इज अ सेकेंड जनरेशन। हाँ देखो देखो, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, क्या क्या इंप्लीमेंट हुए थे? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, सेकेंड जनरेशन से ट्रांजिस्टर्स आने इस्तेमाल होने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। द कंप्यूटर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन वर कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। तो क्या किया, इस्तेमाल किया जाने लग गया था? ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लग गया था। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर भी होते थे ना, ये बड़े वाले हुआ करते थे। ठीक है, छोटे नहीं होते थे, इसलिए फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के जो पीसी हुआ करते थे, कंप्यूटर्स हुआ करते थे, वो बहुत लार्ज होते थे। जब वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे तो वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरीके की दिखती थी, इस तरीके की वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी, ऐसी वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी, ये कांच का होता था बाहर, ग्लास का। ठीक है, इसका बना होता था और ये लगा करके कंप्यूटर बनाए जाते थे। फिर ट्रांजिस्टर आए तो ये ट्रांजिस्टर भी बड़े होने लग गए, लेकिन फिर धीरे धीरे थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में आते आते ये सब चीजें छोटी होने लग गई। ठीक है, और अब तो माउंटेड आते हैं, माउंटेड मतलब पीसीबी, माउंटेड मतलब पीसी के ऊपर चिपके हुए, आपको ध्यान है मैंने एक क्लास में बताया भी था आपको। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। कभी फुर्सत मिली तो मैं आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, कोई एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें केवल और केवल पीसीबी और ट्रांजिस्टर्स और ये गेट्स, इन सब का डिस्कस करेंगे हम कंप्यूटर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट ट्रांजिस्टराइज्ड, द फर्स्ट ट्रांजिस्टराइज कंप्यूटर वॉज बिल्ड एट, कहाँ बना था पहला ट्रांजिस्टराइज कंप्यूटर? तो पहला ट्रांजिस्टराइज कंप्यूटर बना था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर। कहाँ बना था? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर। यहां तक बात क्लियर है सबको? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकिंग स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड, जब हम कुछ बोलते हैं और कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो उसको क्या बोला जाता है? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। कंप्यूटर के अंदर जो माइक लगा रहता है, उस माइक पे अगर आप कुछ बोलोगे तो कंप्यूटर वॉइस रिकॉग्नाइज करके उसको डेटा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और अ सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफर्स यूज आपको मैंने तब भी बताया था किसका यूज होता है? टर्मिनल्स का यूज होता है। ठीक है, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को यूजर से बनाए रखने के लिए, एक्सेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है? टर्मिनल्स का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ डिवाइस फॉर चेंजिंग द कनेक्शन ऑन अ कनेक्टर टू अ डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन इज एन एडप्टर, उसको क्या बोलते हैं? एडप्टर। अब देखो मैं समझाता हूं एडप्टर क्या होता है। अ डिवाइस फॉर चेंजिंग द कनेक्शन ऑन अ कनेक्टर, किसी कनेक्टर पे जो कनेक्शंस होते हैं उनको चेंज करने के लिए, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए किसका यूज किया जाता है? अडेप्टर का यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा अडेप्टर करता क्या है, एक्चुअल में अडेप्टर क्या करता है? कन्वर्ट करने का काम करता है। 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, उसे 5 या 10 वोल्ट की सप्लाई में चेंज कर देगा।
दैट इज कॉल्ड अडेप्टर, एक तरीके से यही होता है ना। तो यहां पे अडेप्टर का क्या मतलब है, अ डिवाइस फॉर चेंजिंग द कनेक्शन ऑफ कनेक्टर, जो कनेक्टर के कनेक्शंस को चेंज करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड अडेप्टर फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप नहीं इस्तेमाल करते, आप बड़ी यूएसबी जो होती है, यूएसबी को माइक्रो यूएसबी के साथ एक कनेक्टर आता है, ठीक है, वो एक तरीके से अडेप्टर का ही काम करता है, दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को जोड़ने का काम करने वाला कनेक्टर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अडेप्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सीडी एंड डीवीडी ड्राइव्स आर एग्जांपल ऑफ, क्या है ये सीडी डीवीडी, क्या ये कोडिंग मीडिया है, नहीं, ये क्या है, स्टोरेज डिवाइसेज हैं। जो क्वेश्चन इजी है उन्हें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड इट्स, क्या कहते हैं उसको हम, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शन, तो इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसको ये भी लिख सकता था दैट प्रोसेसेस ऑल इट्स फंक्शन, जो अपने फंक्शंस में क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, ठीक है, या ऐसे कह लो कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कीबोर्ड को मॉनिटर के साथ, माउस को मॉनिटर के साथ, माउस को किसी और चीज के साथ कनेक्ट करने का, जितनी भी इंटरनल प्रोसेसेस हो रही हैं उन सारी इंटरनल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो देखो मॉडम एक टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है मेरे हिसाब से भी, ठीक है, और फैक्स मशीन भी है टेली कम्युनिकेशन, क्योंकि ये चीजें बाहर भेज रही हैं, ठीक है, टेली प्रिंटर भी है, कौन नहीं है, हब। हब होता क्या है एक्चुअल में, हब होता है स्विच। अच्छा आप पूछेंगे सर स्विच क्या होता है, तो देखो जब आप क्या करते हैं किसी एक कंप्यूटर के साथ में या फिर किसी मॉडेम के साथ में जो कि लैन से कनेक्टेड है उसे किसी हब के साथ जोड़ देते हैं या स्विच के साथ जोड़ देते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, ये काम होता है स्विच का, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच क्या होता है, एक तरह का एक डिवाइस होता है जो कि कनेक्ट करता है मल्टीपल पीसीज को, ठीक है, ये हब कहलाता है, स्विच कहलाता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेज को क्या भी कहा जाता है, इंटर वर्किंग यूनिट। देखो फिर से बता देता हूं, कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस, जो कंप्यूटर की नेटवर्किंग डिवाइसेज होती हैं उनको क्या कहते हैं, इंटर वर्किंग यूनिट, क्योंकि वो इंटरनली काम करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एनआईसी बताया था ना, नेटवर्क इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, स्पेलिंग वो चेक कर लेना, बीच में जो मैंने आई बोला है इंटीग्रेटेड ही है जहां तक है, ठीक है। तो एनआईसी हमने पढ़ा था, कार्ड होता है, सर्किट नहीं, कार्ड क्या होता है, ये नेटवर्क कार्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटरनल वर्किंग यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर रहती है, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर वर्किंग यूनिट, ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें, इंटर वर्किंग यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ASCII स्टैंड फॉर, बताया था मैंने अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड तक तो सबको पता होगा, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, किसके लिए, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए ASCII आई का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम रिटर्न इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर्ड टू एज, किसकी तरह काम करता है, अ प्रोग्राम रिटर्न इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, कौन कौन सी है हाई लेवल लैंग्वेज, थोड़ा सा मैं आज ये बता देता हूँ आपको। तो देखो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्लीट में सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, डॉट नेट, ऊप्स भी आप बोल सकते हो, जावा भी बोल सकते हो, ये सारी की सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। कोबोल आपने पढ़ाया, मैंने बताया था कोबोल, पास्कल, ये भी आपके पास में क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो द प्रोग्राम रिटर्न इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर्स टू, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोर्स कोड, जो कि मशीन कोड में कन्वर्ट करने का, असेंबली कोड अलग होता है, वो उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता, ऑब्जेक्ट कोड अलग चीज है, ये क्या कहलाते हैं, सोर्स कोड कहलाते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज, इंटरनेट पे कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा है ना जावा कोड खुलता है कई बार, जब आप करते हो तो जावा स्क्रीन या जावा कोड करके एक सर्कल बनाता है, वो घूमता रहता है कंप्यूटर पे, तो जनरली क्या काम आता है, जावा, आने को तो और भी आती है लेकिन इन पांच चारों में से देखना है, तो पास्कल का यूज नहीं होता इंटरनेट पे, लोगो तो अलग ही चीज हो गई, बेसिक भी की लैंग्वेज है इसका भी यूज नहीं होता, बिगनर्स लैंग्वेज, पता था ना, ध्यान ना, इसकी फुल फॉर्म देखी थी हमने,
तो किसका यूज होता है? जावा का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट पे जनरली, या तो जावा का किया जाएगा या सी लैंग्वेजेस का किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर। देखो बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोरट्रान भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पास्कल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन लेजर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ओन्ड एंड लाइसेंस बाय अ कंपनी। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो कि नॉट ओन्ड एंड लाइसेंस बाय अ कंपनी, जो लाइसेंस का, किसी कंपनी के लाइसेंस की उसको जरूरत नहीं है? इसका आंसर मैक तो गलत हो गया, इसको कंपनी के लाइसेंस की जरूरत है। विंडोज को भी कंपनी के लाइसेंस की जरूरत है। कौन सा है? यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि किसी भी लाइसेंस की जरूरत या किसी ओनरशिप की जरूरत जिसमें नहीं है या फिर है भी नहीं। कौन है? यूनिक्स। और यूनिक्स का ही पार्ट है लिनक्स। यूनिक्स का ही पार्ट कौन है? लिनक्स, ठीक है। तो बेसिकली कौन है? यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास में जो कि किसी, जिसको किसी भी ओनर की या फिर लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और ये एक क्या है? ओपन सोर्स कोड है। ये क्या है? ओपन सोर्स कोड। पता था ना, बताया था मैंने आपको, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, जिसको कोई भी एडिट कर सकता है। और ये काफी हद तक सिक्योर है, इतना सिक्योर ना तो मैक्स है ना विंडोज है। सबसे ज्यादा सिक्योर कौन है? यूनिक्स सबसे ज्यादा सिक्योर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द यूनिक्स विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द मैसेज एंड वैल्यू ऑफ एनी वैल्यूएबल ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो क्या बोला है उसने? द यूनिक्स विच कमांड इज यूज, जिसका कमांड इस्तेमाल किया जाता है, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द मैसेज, किसी मैसेज को डिस्प्ले करने में, और वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दिखाने के लिए, तो किस कमांड का यूज किया जाता है? इको का यूज किया जाता है। इको का यूज यूनिक्स के अंदर किसके लिए किया जाता है? मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए और वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे दिखाने के लिए। ये आप यूनिक्स कभी डाउनलोड करो तो समझ में आएगा। वहां एक कमांड हमारे पास में यूज करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड इको, ठीक है। आपने कमांड स्क्रीन देखी है? कमांड स्क्रीन पे जाके जब आप इको का इस्तेमाल करते हैं तब ये चीज प्रोसेस में आती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC वॉज एबल टू डू हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशन पर सेकेंड? आंसर इज 300। देखो कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ क्या क्वेश्चन आया? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो क्या नाम हो गया उसका? ENIAC, ठीक है। ENIAC जो है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि मल्टीप्लीकेशन पर सेकेंड कितने कर सकता था? 300 मल्टीप्लीकेशन, हर सेकंड में 300 मल्टीप्लीकेशन वो कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद पर्सन एसोसिएटेड विद कंप्यूटर प्रोसेस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड, क्या मतलब कह रहा है कि पर्सन पर्सन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं हम? सॉफ्टवेयर ही एक ऐसी चीज है जो पर्सन को कंप्यूटर के साथ जोड़ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर एंड नॉट अ सॉफ्टवेयर? ऐसा कौन सा हार्डवेयर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर मतलब इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है, जो नहीं होगा तो आप कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, केवल सिस्टम बोर्ड जिसको आप सिस्टम यूनिट भी कहते हो ये एक हार्डवेयर है जिसके अंदर सीपीयू आता है, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट, एक ऐसी डिवाइस जो मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट को कवर करती है, अलोंग द डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर DLL, डेटा लिंक लेयर के साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज का काम क्या होता है? दो चीजों को जोड़ना। तो क्या करता है ये? एक सिंगल को बहुत सारी चीजों के साथ जोड़ देता है, उसको क्या भी बोलते हैं? ब्रिज। और हमने किस में भी पढ़ा था? ये हब में भी पढ़ा था, तो ठीक है। लेकिन यहां क्या है? यहां वो पूछ रहा है, अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट अलोंग द डेटा लिंक लेयर, ठीक है। मल्टीपल नेटवर्क सेक्टर ये क्या करता है? हब क्या करता है? कंप्यूटर, ठीक है। और मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट जो होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ब्रिज करता है। यहां तक बात क्लियर हो रही है सबको?
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ प्रोग्रामर दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स फाइल इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? कंपाइलर। अ प्रोग्रामर, अ प्रोग्राम बोलो इसको, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स, बताया था अभी मैंने आपको मशीन लेवल में कौन है, कंपाइलर। असेंबली लैंग्वेज को कौन करता है? असेंबलर। ठीक है, क्या करते हैं ये? ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टूडे कम विद एन इंटरफेस कॉल्ड, किसके साथ आ रहे हैं आजकल ज्यादातर सॉफ्टवेयर? क्योंकि हम यूजर फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं, और यूजर फ्रेंडली अगर मुझे बनाना है तो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए मुझे उसमें ग्राफिक डालने पड़ेंगे, मतलब ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस, मतलब GUI के साथ आ रहे हैं। ठीक है, ताकि उसके ग्राफिक्स अच्छे हो पाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन अर्ली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम आया था? डेट इंक्लूड्स, जिसमें रखा था, जिसमें यूज किया गया था, किस चीज का? इंक्लूड्स एंड इंटीग्रेटेड ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर GUI का इस्तेमाल किया गया था, पॉइंट एंड क्लिक फीचर पे। ठीक है, तो वो कौन था? मैक था। मैक किसका है? एप्पल का है। किसका है? एप्पल का है। तो एप्पल के मैक में ही सबसे पहले GUI का इस्तेमाल किया गया था। यहां तक बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो कम केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड पर्सनल कंप्यूटर मार्केट विद इतने परसेंट मार्केट शेयर, कितने परसेंट मार्केट शेयर के साथ माइक्रोसॉफ्ट विंडो का आया था मार्केट को डोमिनेट करने के लिए? 90% मार्केट शेयर के साथ उतरा था वो, मतलब उसने अपने 90% मार्केट में शेयर लगा दिए थे। ठीक है, किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने, अपने पर्सनल कंप्यूटर की मार्केटिंग के लिए। ठीक है, ये पहला ऐसा पर्सनल कंप्यूटर का पर्सनल कंप्यूटर की कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट, जिसने 90% शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। What type of key are called control and shift? क्या कहलाते हैं ये? चीजों को मॉडिफाई करते हैं, इसलिए मॉडिफायर कहते हैं। फंक्शन कहाँ है? 1 से लेकर के 12, बता चुका हूँ, ये सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। In which टूल बार वी विल फाइंड शॉर्ट बटन फॉर ऑटो सम? ऑटो सम के लिए टूल बार, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये एक्सेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक्सेल की बात कर रहा है, कि एक्सेल के अंदर ऐसा कौन सा टूल बार है जिसमें एक शॉर्ट बटन होता है ऑटो सम करने के लिए, मतलब दो चीजों को जोड़ने के लिए, दैट इज फॉर्मूला बार। क्योंकि जितने भी ऑटोमेटिक फॉर्मूले बनाए जाते हैं वो किस में बनाए जाते हैं? वो फॉर्मूला बार के अंदर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर, एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए एक्सेल के अंदर, ठीक है, किसी वर्कबुक में, क्योंकि वर्कशीट से मिलके वर्कबुक बनती है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लिक, किस पे क्लिक करना पड़ता है? तो नीचे एक शीट टैब होती है, यहां पे स्क्रीन के नीचे शीट टैब होती है, जिसमें फर्स्ट शीट, सेकंड शीट, थर्ड शीट, तो उस पर क्लिक करोगे तो वही शीट खुल जाएगी आपके पास। यहां तक क्लियर है मेरे हिसाब से? चलिए, इन विच चार्ट ओनली वन डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड, कौन सा चार्ट है जिसमें केवल एक ही डेटा सीरीज को प्लॉट किया जा सकता है? दैट इज स्टैक्ड बार। कौन सा? स्टैक्ड बार। ठीक है, उसके अंदर ये देख लेना जाकर के। ठीक है, मैंने भी कभी इसका इस्तेमाल किया नहीं है, लेकिन ये हमें कहाँ मिलता है? स्टैक्ड बार के अंदर ही क्या मिलता है हमें? द वन डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड, एक डेटा सीरीज को वहां पे प्लॉट किया जा सकता है, किसके अंदर? स्टैक्ड बार के अंदर जाकर के। तो ये एक बार चेक कर लेना, मैं भी चेक करूंगा, मैंने भी कभी इसको करके देखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इज बेस्ट प्रेजेंट एज, किसकी तरह प्रेजेंट होते हैं? अ टेबल स्लाइड की तरह। किसकी तरह? अ टेबल स्लाइड। मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब लिखी हुई चीज, और नंबर इज बेस्ट प्रेजेंटेड एज, किसकी तरह प्रेजेंट होते हैं? टेबल की तरह, टेबल स्लाइड की तरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेबल स्लाइड क्या होती है? कुछ इस तरीके से टेबल होती है जिसमें टेक्स्ट और नंबर के कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड, ठीक है, मतलब जिनके बिना आप कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड पासवर्ड्स। ठीक है, कोडेड एंट्रीज जिनके बिना आप कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहा जाता है? पासवर्ड कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ प्रोग्राम डिजाइंड टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन अ कंप्यूटर विच कैन ट्रेवल टू इन्फेक्ट. अभी अभी देखा था, क्या आंसर था? नॉट डिजीज, आंसर इज वायरस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका एग्जाम्पल क्या है? तो पहले जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल अभी अभी बताया, सेकेंड और थर्ड, मतलब कि कौन सा? आईबीएम. आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. ठीक है, 650 और 701, 702, ये दो एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस. तो पहली, वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस कौन सी थी? ये नहीं आएगा, इसमें कुछ और था. ठीक है, पहली वर्ल्ड की इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस कौन सी थी जिसमें यूज किया गया था, कुछ पर्टिकुलर नाम था उसके लिए आया था इसका. लेकिन अब क्या बोल रहा है, पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस कौन सी थी? तो ये कौन सी थी हमारे पास में? ये थी कोलोसस. कोलोसस थी क्या हमारे पास में? वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं. इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टास्क, जो मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होती है ज्यादातर प्रोसेस? तो ये मेरे हिसाब से सबको पता है, ज्यादातर प्रोसेस कहाँ होती है? लगभग सारी प्रोसेस ही कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर होती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोस्ट यूजफुल फॉर द क्रिएशन ऑफ ब्रोशर्स पोस्टर्स एंड न्यूज़पेपर. तो कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि ब्रोशर्स पोस्टर्स और न्यूज़पेपर बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम में आता है? तो दैट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. वो कौन सा होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि स्प्रेडशीट पे नहीं बन सकता. वेब ऑथराइजिंग सॉफ्टवेयर कुछ होता ही नहीं है, या होता होगा तो इंटरनेट से रिलेट करता होगा कुछ. मल्टीमीडिया अथॉरिटी सॉफ्टवेयर ये भी नहीं. कौन सा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ब्रोशर्स पोस्टर्स और न्यूज़पेपर बनाने के काम आता है. ब्रोशर्स क्या होते हैं? किसी भी कंपनी के बारे में जो कुछ बताते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बताते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोशर्स. ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोस्ट यूजफुल फॉर द क्रिएशन ऑफ ब्रोशर्स पोस्टर्स एंड द न्यूज़पेपर? आंसर इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. और आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, दैट इज व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब कंप्यूटर चालू होता है, द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST. इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट फॉर्म. POST की फुल फॉर्म क्या होती है? बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? ये सब जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर तब की टर्म्स हैं. तो POST मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. जैसे ही पावर ऑन होगी कंप्यूटर की, अपने आप वो चीजें चेक करने लग जाएगा. बायोस क्या करता है? वो इनपुट आउटपुट को चेक करने का काम करता है. मेरे हिसाब से यहां तक बात समझ में आ रही होगी. तो POST आपको पोस्ट आना चाहिए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. तो व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म दी पोस्ट. क्या परफॉर्म करती है वो? पोस्ट परफॉर्म करती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करती है. तो यहां तक मेरे हिसाब से सबको बातें क्लियर होंगी. कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए. शाम को अगर हमें टाइम मिलेगा या आगे टाइम मिलेगा कल एग्जाम से पहले, तो हम एक और ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. लेकिन इनको अच्छे से देख जाना, और भी क्वेश्चंस हैं उन्हें भी करेंगे. ठीक है, पहले भी मैं क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो क्वेश्चन काफी हैं आपके पास और आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे. तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको रुक जाए. 20 में से कम 15 क्वेश्चन आपको करके आने ही हैं. एनी हाउ गलत नहीं करने हैं. ठीक है, इतनी मेहनत हम लोगों ने भी की है और आपने तो हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करी है पढ़ाई के मामले में, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा. 15 क्वेश्चन मिनिमम कंप्यूटर में लेने ही पड़ेंगे आपको. ठीक है, तो अपने पूरे बेस्ट एफर्ट्स के साथ कल पेपर दीजिएगा. ठीक है, उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको मिलने की कोशिश करूंगा. ठीक है, और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस कि आपका सिलेक्शन हो. मैं चाहूंगा इतने सारे बच्चे अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्शन लें. ठीक है, हमें क्रेडिट की बिल्कुल नीड नहीं है, पूरा क्रेडिट आप लोगों का होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है. क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई करता है, जो उसके ऊपर फोर्स होता है, वो क्रेडिट वही ले सकता है क्योंकि वो उस फोर्स को झेलता है.
ठीक है, हमारा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे पढ़ा के चले जाते हैं। ठीक है, पढ़ने का काम किसका है? आपका है। आप जब पढ़ते हैं तो 10 चीजें दिमाग में होती हैं, उन सब चीजों को साइड रख के आप तैयारी करते हैं और फिर सिलेक्शन लेते हैं, तो क्रेडिट के फाइनल हकदार आप लोग होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका सिलेक्शन हो, किसी को भी क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला क्रेडिट हम अपने आप को देते हैं कि भाई मैंने मेहनत करी थी, मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, इसी विश्वास के साथ और बिना किसी नेगेटिविटी के साथ कि जाने क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, सब बात पे छोड़ दो। अभी कल केवल पेपर है, फर्स्ट फोकस उस पे होना चाहिए, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, जितने क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ उतने क्वेश्चन करने हैं। कल का दिन मेरा बेस्ट डे होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है या नहीं मुझे नहीं पता और ना मुझे उसके बारे में सोचना है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग कल का मेरा दिन बेस्ट दिन होना चाहिए और कल मैं उतने क्वेश्चन करके आऊँगा कि मैं आराम से सेलेक्ट हो जाऊँ। ठीक है, इसी थॉट के साथ आपको कल जाना है और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, और मैं आगे भी आपसे इसी तरह जुड़ा रहूँगा, अलग अलग तरह के वीडियोस लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कंटेंट भी मैं अपना खुद का डेवलप करके लेके आऊँ। आज भी मैंने कुछ कोशिश की है ऐसी, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस मिल सकें, कुछ मिक्सर में क्वेश्चन मिल सकें, ताकि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।